पुंछ के सुरंगकोट से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुरंगकोट में एक UBGL यानी एक रोस्टेड शेल जो है वो बरामद हुआ है। हालांकि ये शेल कहां पर बरामद हुआ है इस बात की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है कि सुरंगकोट का चंडीमढ़ एक इलाका है यानी ग्रामीण क्षेत्र है चंडीमढ़, वहां पर रिवर के साथ एक UGBL जंग लगा ग्रेनेड यानी रोस्टेड ग्रेनेड, वो जिसे आप कहेंगे एक शेल, मोटार शेल की शेप में जो है वो वहां पर मिला है, जिसके बाद उसकी जानकारी कंसर्न जो आसपास में पुलिस कर्मचारी थे उनको दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच के उस यानी शेल को अपने कब्जे में लिया और तुरंत संपर्क भारतीय सेना के बम डिस्पोजल टीम के साथ किया। और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं कि ये वही जो UBGL जो शेल है ये उसकी तस्वीर है। हालांकि ये जंग लगा हुआ है, गनीमत ये रही कि वहां पर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये जब कभी भी इस तरीके की वारदात या इस तरीके की ये शेल बरामद होते हैं तो उनके पास एक खतरा मंडराता है कि वहां पर कोई इस तरीके की अनहोनी ना हो या कोई शख्स इसके पास ना जाए जिस वजह से कोई बड़ा जो है वो घटना घटित हो। लेकिन ये शेल मिलने के बाद तुरंत पुलिस और भारतीय सेना की बम डिस्पोजल टीम यहाँ मौके पर पहुंचा, जहाँ पर उन्होंने इसे मार्किंग करके अपने कब्जे में एक सुरक्षित जगह पर ले जाके डिस्ट्रॉय किया। हालांकि हमारे कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि आज सुबह जो है ये शेल बरामद हुआ था, जिसके बाद थोड़ा इलाके में कुछ लोग थोड़े पैनिक हो गए थे, लेकिन सुरक्षा बल मौके पर पहुँच कर उन्होंने इसे अपने कब्जे में लिया और इसे एक सेफ लोकेशन में ले जाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरीके के शेल्स रजौरी पुंछ के अंदर कई जगह पर जो है वो मिलते रहते हैं, इससे पहले भी कई शेल जो है वो मिले हैं, क्योंकि ये जो इलाका है बॉर्डर का इलाका है और ये जो आज ये शेल बरामद हुआ है ये बिल्कुल एक रिवर के साथ में, तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं पीछे से स्लिप होकर ये किसी रिवर के चलते वहाँ पर पहुँचा। पर गनीमत रही कि किसी किस्म के नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। हालाँकि सुरक्षा बलों ने लोगों से ये कहा कि पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहे, उसे एक सेफ लोकेशन पर ले जाकर जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि भारतीय सेना की बम डिस्पोजल टीम वहां पर पहुंच गई और लोगों को ये कहा कि आप बेफिक्र रहिए, इसको एक सुरक्षित ठिकाने पर ले जाकर जो है वो निष्क्रिय किया। अब जुड़े रहिए और अपडेट के साथ हमारे द पब्लिश इस डिजिटल प्लेटफॉर्म।